أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما। प्यारे बच्चों, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना काम बखूबी सर अंजाम दे रहे होंगे। आज जमात चहारम को जो काम करवाया जाएगा उसका उन्वान है सबक नंबर 14 खलीफा की दानिशमंदी मुकम्मल पढ़ाई बुक वर्क अल्फाज मायनी सवालात जवाबात। आज की सरगर्मी है सबक में मौजूद मुश्किल अल्फाज की इमला करनी है और सबक में मौजूद फेल फाइल और मफूल को तलाश करके रजिस्टर पर लिखना है। इसके बाद है तदरीसी मकासद। आज के तदरीसी मकासद हैं बच्चों को दुरुस्त अदायगी से पढ़ाई करना सिखाना, इसम फेल फाइल मफूल की पहचान करवाना, बच्चों को सादगी से ज़िंदगी गुजारने का सबक देना। सबसे पहले हम पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई के लिए किताब का सफ़ा नंबर 105 खोलेंगे। सबक नंबर 14 है खलीफा की दानिशमंदी। सबसे पहले है ख़ास अल्फाज अमूर तरकीब गुज़िश्ता कासिर फला। खुल्फ़ाए राशिदीन के दौरे हुकूमत के बाद अल्लाह ताला ने मुसलमानों को एक ऐसा खलीफा अता किया जिसने गुज़िश्ता दौर की याद ताज़ा कर दी। आपका नाम हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह था। मेरे बच्चों, आज हम पढ़ाई के साथ इस सबक में इसम फेल फाइल और मफूल को भी तलाश करेंगे। सबसे पहले आपको मालूम है इसम किसी भी जगह या चीज़ के नाम को कहते हैं, तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ नाम है तो इसमें उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ इसम है। इसके बाद है आप बहुत ज़्यादा ज़िंदगी गुजारते थे। इस जुमले में सादा फेल है, ज़िंदगी फाइल है, गुजारने मफ़ूल है। सरकारी ख़जाने को आम आदमी की फलाह के लिए खर्च करते थे। खर्च क्या है? फेल। फजूल खर्ची को सख्त नापसंद करते थे और दूसरों को भी फजूल खर्ची से मना करते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह को इत्तला मिली कि सिपा सलार ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करता है। खर्च क्या है? फेल। इसके बावर्ची खाने का रोज़ाना का खर्च बहुत ज़्यादा है, आप बहुत परेशान हुए। बावर्ची खाना इसम है, आप फाइल है, परेशान मफ़ूल है, हुए फेल है। इसके बाद है सफ़ा नंबर 106। सोचने लगे कि किस तरह सिपा सलार को फजूल खर्ची से बचने की तरगीब दी जाए। सिपा सलार फाइल है, फजूल खर्ची फेल है और दी जाए मफूल है। आखिरकार इनके दिमाग में एक तरकीब आई। आपने सिपा सलार को पैगाम भेजा कि तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है, इसलिए दोपहर का खाना मेरे साथ खाओ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने बावर्ची को कहा कि खूब लजीज खाना तैयार करे और साथ ही जौ का दलिया भी बनाए। सिपा सालार मुलाकात के लिए आया तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने उससे ज़रूरी अमूर के बारे में गुफ्तगू शुरू कर दी। आप रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त तक गुफ्तगू करते रहे जब तक वो भूख से बेहाल ना हो गया। अदब और एहतराम की वजह से वो कुछ कह तो नहीं सकता था। अब रहमतुल्लाह अलैह ने उसके चेहरे से अंदाज़ा लगा लिया कि भूख के मारे उसका बुरा हाल है। उसकी ये हालत देखकर आप रहमतुल्लाह अलैह बावर्ची खाने के खादिम से बोले, हमारा खाना ले आओ। खलीफा ने बावर्ची को समझा दिया था कि पहले जौ का दलिया ला कर रखना। चुनाचे उसने जौ का दलिया ला कर उनके सामने रख दिया। आपने सिप्पा सालार से कहा, बिस्मिल्लाह कीजिए। सिप्पा सालार को सख्त भूख लगी हुई थी, उसने जी भर कर दलिया खाया। इस में जुमले में खाया जो है वो फेल है। वो उस वक्त तक दलिया खाता रहा जब तक उसका पेट भर ना गया। आपने भी उसके साथ वही दलिया खाया। थोड़ी देर बाद आपने खादिम से कहा, हमारे मेहमान का खाना ले आओ। खलीफा का हुक्म पाते ही तमाम लजीज और मज़ेदार खाने हाजिर कर दिए गए। इतने सारे खाने देखकर सिपा सालार बोला, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरा पेट तो जौ के दलिये से भर चुका है, मैं मज़ीद खाना खाने से कासिर हूँ। इसके बाद है सफ़ा नंबर 107।
ये सुनकर खलीफा बोले, हमने अभी जो का दलिया खाया, इसमें हम फाइल है, जो का दलिया मफ़ऊल और खाया फेल है, इस पर सिर्फ एक दरहम खर्च हुआ। अगर तुम एक दरहम में अपना पेट भर सकते हो तो रोज़ ज़्यादा क्यों खर्च करते हो? अल्लाह ताला फजूल खर्च लोगों को पसंद नहीं करता। अगर तुम गरीबों की फलाह और बेहतरी के लिए खर्च करो तो दुनिया और आखरत में भी फ़ायदा होगा। सिपा सालार खलीफा का फरमान और अमली मिसाल से बहुत मुतासिर हुआ और उसने ज़िंदगी सादगी से गुजारने का अहद कर लिया। इसके बाद हैं अल्फाज मायने, अमूर काम, तरहीब तलकीन, गुज़िश्ता गुज़रा हुआ, कासिर मजबूर, फलाह भलाई। प्यारे बच्चों, इसके बाद हम सबक नंबर 14 खलीफा की दानिशमंदी के सवालात और जवाबात करेंगे। इसके लिए हम नोट्स खोलेंगे। सबसे पहला सवाल है, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ सरकारी ख़जाने को कहाँ खर्च करते थे? हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ सरकारी ख़जाने को आम आदमी की फलाह के लिए खर्च करते थे। सवाल नंबर 2 है, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने बावर्ची से क्या कहा? प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 2 का जवाब जो नोट्स में दिया गया है उसका जवाब गलत है, तो इसका सही जवाब ये है, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने बावर्ची से कहा, खूब लजीज खाना तैयार करे और साथ ही जौ का दलिया भी बनाए। सवाल नंबर 3 है, सिप्पा सालार कब तक दलिया खाता रहा? जवाब, सिप्पा सालार तब तक दलिया खाता रहा जब तक उसका पेट ना भर गया। सवाल नंबर 4 है, खलीफा का फरमान सुनने के बाद सिप्पा सालार ने क्या अहद किया? जवाब, खलीफा का फरमान सुनने के बाद सिप्पा सालार ने अहद किया कि वो सादा ज़िंदगी गुजारेगा। सवाल नंबर 5 है, खलीफा हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के बारे में लिखें। जवाब, खुलफाए राशिदीन के दौरे हुकूमत के बाद अल्लाह ताला ने मुसलमानों को एक ऐसा खलीफा अता किया जिसने गुज़िश्ता दौर की याद ताज़ा कर दी। आपका नाम हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ था। आप बहुत सादा ज़िंदगी गुजारते थे, सरकारी ख़जाने को आम आदमी की फलाह के लिए खर्च करते थे, फजूल ख़र्ची को सख्त नापसंद करते थे और दूसरों को भी फजूल ख़र्ची से मना करते थे। प्यारे बच्चों, इसके बाद हम बुक वर्क करेंगे सफ़ा नंबर 108 से लेकर 111 तक। तो इसके लिए सबसे पहले हम किताब का सफ़ा नंबर 108 खोलेंगे। प्यारे बच्चों, अब हम मश्क करेंगे। मश्क का सवाल नंबर 1 है, कुछ अल्फाज जो हैं वो इसमें दुरुस्त लिखे गए हैं और कुछ अल्फाज गलत लिखे गए हैं, तो आपने जो दुरुस्त अल्फाज हैं उनके गिर्द दायरा लगाना है। तो अब यहाँ पर देखें, मिसाल, गेज़ गज़ शीन तहता गुज़िश्ता, गाव ज़े शीन तहता गुज़िश्ता, गाव ज़े शीन तोहता गुज़िश्ता, तो कौन सा दुरुस्त है? गुज़िश्ता, गाव ज़े शीन तहता गुज़िश्ता, तो हम गुज़िश्ता के गिर दायरा लगा देंगे। इसी तरह यहाँ पे तरगीब, तरगीब, तरजीब, तीन अल्फाज लिखे गए हैं, तो इसमें दुरुस्त लफ्ज़ है तरगीब, हम तरगीब के गिर दायरा लगा देंगे। उसके बाद है कासर, कासिर, कासर, तो इसमें दुरुस्त लफ्ज़ है कासिर, तो कासिर के गिर दायरा लगा देंगे। उसके बाद है फलाह, 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 तो हम दुरुस्त लफ्ज़ फलाह के गिर्द दायरा लगा देंगे। उसके बाद लफ्ज़ है खर्च, 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 तो जो दुरुस्त लफ्ज़ है वो है खेरे चे खर्च, तो हम खर्च के गिर दायरा लगा देंगे। सवाल नंबर 2 है, नीचे दिए गए जुमलों में से कुछ के नीचे लकीर है, इन अल्फाज के दुरुस्त मायने पर दायरा लगाएं। नंबर 1 है, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने गुज़िश्ता दौर की याद ताज़ा कर दी, तो गुज़िश्ता का मायने क्या है? सुनहरे, गुज़रा हुआ, इस्लामी, तो हम गुज़रा हुआ के गिर दायरा लगा देंगे। हमें इंसानी फलाह के लिए काम करना चाहिए, फलाह का क्या मायने है? बुराई, भलाई, दौलत, तो हम भलाई के गिर दायरा लगा देंगे। इसके बाद है सफ़ा नंबर 109, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने सिप्पा सालार को सादगी की तरगीब दी, तरगीब का मायने क्या है? इल्तजा करना, तलकीन करना या मुंतखब करना, तो इसका मायने है तलकीन करना।
नईम आज स्कूल आने से कासिर है। कासिर का क्या मतलब है? डरता, नाखुश, मजबूर। तो मजबूर के गिर्द दायरा लगा देंगे। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने सिप्पा सालार से अहम अमूर पर बात की। अमूर का क्या मायनी है? रास्तों, कामों, इंसानों। तो कामों के गिर्द दायरा लगा देंगे। सवाल नंबर 3 है, मदरजा ज़ेल जुमलों में अल्फाज की तरतीब दुरुस्त कर। नंबर 1 है, हमारा आओ खाना ले, तो इसको हम तरतीब से लिखेंगे, हमारा खाना ले आओ। ज़िंदगी आप गुजारते थे बहुत सादा, तो इसको तरतीब से कैसे लिखेंगे, आप बहुत सादा ज़िंदगी गुजारते थे। नंबर 3 है, परेशान बहुत हुए आप सुन कर ये, तो तरतीब से इसको कैसे लिखेंगे, आप रहमतुल्लाह अलैह ये सुनकर बहुत परेशान हुए। नंबर 4 है, खाया दलिया जी भर उस कर ने, तो इसको तरतीब से लिखेंगे तो ये बन जाएगा, इसने जी भर कर दलिया खाया। प्यारे बच्चों, इसके बाद है सफ़ा नंबर 110। नंबर 5 है, एक दरहम खर्च है हुआ इस पर सिर्फ, तो इसको तरतीब से लिखेंगे तो ये बनेगा, इस पर सिर्फ एक दरहम खर्च हुआ है। सवाल नंबर 4 है, नीचे कुछ अल्फाज दिए गए हैं, इनके जुमले बनाएं। सबसे पहला लफ्ज़ है अमूर, तो जुमला है इसका नेक अमूर में दूसरों की मदद करें। तरगीब, हमारा दीन हमें नेक काम करने की तरगीब देता है। गुज़िश्ता, हमें अपनी गुज़िश्ता गलतियों से सबक हासिल करना चाहिए। कासिर, अहमद आज स्कूल आने से कासिर है। फलाह, हमें दूसरों की फलाह के लिए काम करना चाहिए। फजूल खर्च करना बुरी बात है। इसके बाद है सफ़ा नंबर 111। सवाल नंबर 6, दिए गए अल्फाज में से दुरुस्त अल्फाज से खाली जगह पुर करें। नंबर 1, खलीफा सादा ज़िंदगी गुजारते डैश, तो डैश में क्या आएगा, थे या था, तो यहाँ आएगा थे। इनके दिमाग में एक तरकीब डैश, तो यहाँ आएगा आई या आए, तो यहाँ आएगा आई। आप रहमतुल्लाह अलैह ने सिप्पा सालार को पैगाम डैश भेजे या भेजा, तो यहाँ आएगा भेजा। भूख के मारे उसका बुरा हाल डैश थे या था, तो यहाँ आएगा था। उसने जी भर के खाना डैश खाए या खाया, तो यहाँ आएगा खाया। प्यारे बच्चों, आज का काम यहाँ मुकम्मल होता है। इसके बाद है आज की डायरी, सबक नंबर 14, खलीफा की दानिशमंदी मुकम्मल, पढ़ाई, अल्फाज मायनी, सवालात जवाबात, बुक वर्क, लिखना और याद करना है। आज के लेक्चर का इख्तिताम इस दुआ से करती हूँ, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाह हाफिज़।